हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैमरा कुकिंग विद जया। और फ्रेंड्स, आज मैं आपसे क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ दाल तड़का। जी हाँ, ये वही रेसिपी जो हम रेस्टोरेंट और ढाबे में जाकर जरूर ऑर्डर करते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने किचन की तरफ और बनाते हैं ये रेसिपी। इस दाल तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी दाल ली है, अरहर की दाल है यानी कि तुअर दाल। इसे धोकर मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, इस दाल को कुकर में डाल देंगे। फ्रेंड्स, एक कटोरी मैंने तुअर दाल ली है तो दो कटोरी उसी मेजरमेंट से हम पानी लेंगे, यानी कि दाल से जस्ट डबल हम लेंगे पानी। अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही आधा छोटा चम्मच मैं इसमें लूंगी नमक। अब हम कुकर को बंद करेंगे और फास्ट फ्लेम में इसे एक सीटी और स्लो फ्लेम में एक सीटी आने देंगे। फ्रेंड्स, हमारी दाल जो है पककर तैयार हो गई है। मैंने इसे एक बॉल में शिफ्ट कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसका हम तड़का तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने पैन को गर्म होने के लिए रखा है और दाल तड़का जब भी बनाए तो घी का यूज कर। यहाँ मैं दो चम्मच देसी घी ले रही हूँ, आप चाहे तो बटर भी ले सकते हो और घी भी। घी गर्म हो गया है तो आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें जीरा और जीरा को थोड़ा क्रेकल्स होने देंगे। जीरा क्रेकल्स हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे, मैं यहाँ ले रही हूँ आधा इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक का टुकड़ा, साथ ही मैंने दो हरी मिर्च कटी हुई ले रखी है। एक चुटकी हींग लेंगे और गैस फ्लेम को स्लो कर रखा है, साथ ही दो साबुत लाल मिर्च भी है और तड़का थोड़ा होने देंगे हम। तो फ्रेंड्स, तड़का हमारा रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ एक टमाटर जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया, आप चाहे तो बारीक काट लीजिए। टमाटर को थोड़ा भून लेंगे हम, साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि दाल को पकाते समय हमने इसमें नमक डाला था तो आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे हम नमक और आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी, साथ ही मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे इसका रंग बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा तड़का जो है वो रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इस तड़के को डायरेक्ट दाल में डालें या दाल इसमें डालें। इस रेडी तड़का में मैं अब जो मैंने दाल रेडी करके रखी है वो इसमें डल जाएगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से इसका कलर आ गया है, ये देखिए। तो दाल तड़का तो लगभग रेडी हो गया है, इसमें उबाल आने देंगे हम। तो फ्रेंड्स, दाल में उबाल आ गया है और हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो हम गैस फ्लेम को बंद करेंगे और इसे बारीक कटी हरी धनिया से गार्निश करेंगे और फटाफट हम इसे सर्व करेंगे। दाल को मैंने जीरा राइस के साथ तो सर्व कर दिया, बट इसे हमें ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देना है तो एक बार हम इस पर तड़का और डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने तड़का पैन लिया है, इसमें आधा छोटा चम्मच मैंने घी गरम किया है। घी गरम हो गया तो आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे हम इसमें। जीरा हमारा चिटक गया है तो आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और गैस फ्लेम को बंद करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। तैयार तड़के को अब हम इसमें डालेंगे दाल के ऊपर। तो आ गया ना ढाबा वाला स्टाइल का तड़का। तो लीजिए फ्रेंड्स, झटपट दाल तड़का यानी दाल फ्राई की रेसिपी मेरी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आज की रेसिपी आप सबको पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ ऐसी झटपट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।